अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल। आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, शदीद वाली गर्मी है कि हज़रा से भी हवा नहीं चल रही है। बस उफ़ल्ला। अच्छा जी, मैं आई थी व्लॉग रिकॉर्ड करने, मैंने कहा जाके वीडियो आज कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ठीक है, आज मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी और मम्मा ने मुझे भी नहीं उठाया, नहीं तो मम्मा उठा देती हैं और मैं फिर ऊपर आ जाती हूँ। तो आज मम्मा को भी नहीं जो है ना वो पता चला और मम्मा भी सोई रही हैं, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी है। सो सभी जो है ना उनके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है? बस ऐसे सर दर्द गर्मी की वजह से ये वो। और दूसरा ये कि कल जो है ना फिर से किन मिन स्टार्ट। मैं टेक्सचर्स ज़मीन पे छोड़ गई थी, मैंने कहा नहीं छोड़ देती हूँ, फिर एकदम से बादल देखे इतने ज़्यादा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इन टेक्सचर्स को ना, मैंने कहा अभी इनको बना नहीं सकती तो इनको मैं सेव कर लेती हूँ, ठीक है, वो ना हो बह जाए। तो मैंने इनको इसमें डाल दिया, फिर ये एक दो तीन चार वीडियोस इसकी मतलब कि रिकॉर्ड हो पाई हैं रेड डेट की। फिर उसके अलावा ये दो रिकॉर्ड करनी थी आज बट नहीं कर पाए। अच्छा, और उसके अलावा सबको कवर कर गई थी, बस ये दो टेक्सचर्स बचे हैं, ठीक है, चारकोल के। एक चारकोल एशीज है, एक ग्रीडी चारकोल है, ठीक है, और उसके अलावा एक दो रेड डर्ट्स हैं और एक वाइट कंक्रीट या प्योर सैंड, ठीक है। बाकी मड डर्ट और वाइट डर्ट ये है और रेड डर्ट यहाँ पे मौजूद है। सो आज का व्लॉग डेडिकेट कर रहा है जी स्पेशली दो स्पेशली मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी बर्थडे है शामीन, अल्लाह ताला फैज़ान पता नहीं क्या नाम था उनकी आईडी का, तो उनका रियल नेम है शामीन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी बर्थडे टू यू और ये दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार आए। दूसरा ये कि मुझे अपोलोजाइज करना है, मेरी सब्सक्राइबर है अरीशा, अरीशा आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता चला। मैंने एक्चुअली मैं क्या करती हूँ वाईटी स्टूडियो में, जब रिप्लाई नहीं करती तो मैं उसको रहने देती हूँ कि भाई इसको रहने देती हूँ, भाई इसका जो है ना मैंने वीडियो डेडिकेट करनी है या इसका नाम लेना है कुछ इस तरह से। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो आपका आंस नहीं दिया और मैंने कहा अच्छा मैं जब ना जब ये दिन आएगा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी। अब उससे उसके बाद जो है ना इतने सारे कमेंट्स हो गए कि मेरे पास टाइम नहीं इतना होता कि जो है ना मैं प्रॉपर से ना आंस करूँ सबको। पता क्या होता है, टाइम का मसला ये होता है कि सुबह आती हूँ वीडियोस बनाती हूँ, बना के नीचे जाती हूँ, जाकर फिर मोबाइल की चार्जिंग फुल एंड हो जाती है, फिर उसको चार्ज करना है, फिर उसको एडिट करना है क्योंकि 12 बज जाते हैं तब भी साथ ही, तो एडिट करके 12 बजे वीडियो अपलोड करनी होती है, एक अपलोड कर दूसरी की बारी, दूसरी एडिट करके फिर उसको अपलोड कर तीसरी की बारी। और मेरे फ़ोन का एक मसला ये है कि जब तक यूट्यूब ऑन रखो तब तक आपकी वीडियो अपलोड होती रहेगी, जब आप बंद कर दोगे तो वीडियो अपलोड नहीं होगी। फिर मुझे जो है ना वो ऑन करके रखना पड़ता है, यानी उसके दरमियान में कोई दूसरी एडिटिंग नहीं कर सकती, ठीक है। आज गला मेरा ख़राब है, मौसम अजीब सा ही है तो गला भी मेरा ख़राब है, तो फिर भी मैं बोल रही हूँ सॉरी। तो ये था मसला, ठीक है। फिर वो कमेंट्स इतने सारे हो जाते हैं ARSMR के भी और हैप्पी लाइफ ब्लॉग के भी, तो ये दो चैनल्स हैं। ARSMR का तो मैं जो है ना लाइक कर देती हूँ रीड करके, तो हैप्पी लाइफ ब्लॉग के जो है ना वो आंस कर देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो फिर मैं आंस करती रहती हूँ और जो जो भी फ़नी कोई गपशप हुई है या कोई कमेंट आया तो वो मज़ा आता है पढ़ने का भी। हैप्पी लाइफ ब्लॉग में तो बस उसके वीडियो के रिलेटेड आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो सॉरी ARSMR पर वीडियो के रिलेटेड कमेंट होता है, तो हैप्पी लाइफ ब्लॉग पर हमारी बातें और ये वो सब बड़ा मज़ा आता है, शुगर लगता है। तो मैं फिर जो है ना वो रात को सारे कमेंट्स रीड किए और जब देखा तो आपका कमेंट नज़र आया, फिर मैंने उस टाइम आपको कमेंट करके आंस कर दिया। सो ये थी मेरी कहानी, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको भी हैप्पी बर्थडे गुजर गई है बेशक, लेकिन मेरे लिए मैं यही सोचूंगी आज ही हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशी आपके नसीब में लिख दे और कभी भी कोई परेशानी ना हो। ये दुआएँ तो बार बार देनी चाहिए भाई ज़िंदगी में, आप लोगों को जो है ना हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें और सेहत सलामती वाली ज़िंदगी हो आपके पास। ओके, उसके अलावा आज क्या करना है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक ब्लॉग शेयर करने लगी हूँ एक बात, वो ये है कि जी छत की जो है ना वो पूरे प्रॉपर तरीके से सफाई होने वाली है, ठीक है। पहले तो होती रहती है सफाई, मैं ये नहीं है कि गंद बचा रहता है छत पर, लेकिन जैसे ही वीडियोज़ रिकॉर्ड हुई है ना मेरी एक दो, फिर मैंने उसके बाद टेक्सचर्स नहीं बनाए। मैंने कहा इसलिए नहीं बनाए कि इनको जो है ना अब मैंने सोचा है कि इनको ये जैसे डर्ट्स वाले इनको तो चलो निकाल कर रख दूँगी, बाकी जो ये स्लैब्स पे टेक्सचर्स है ना इनको एक एक दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ना इनको इस तरह बैग्स में बंद करके रख दूँगी एक तरफ, फिर पूरी छत खाली करके ना अच्छे से सफाई करेंगे हम,
सफाई करने के बाद फिर हम एक एक टेक्सचर का ट्यूटोरियल शेयर कर देंगे और साथ में आपको ढेर सारे ब्लॉग में कंपटीशन देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है जी, तो तैयार हो जाए इसके लिए भी। और उसके अलावा हमने जो है ना जो भी सेटअप कर रहे हैं ना, जैसे छत का के इधर बार बनानी है या नहीं बनानी, उधर बनानी है किधर बनानी है, सब कुछ जो है ना आपके साथ शेयर करूंगी। अब आज के व्लॉग में मैं ये शेयर करूंगी कि आज के व्लॉग में हम ये करेंगे, जैसे कि मैंने आज के दिन ये काम करने हैं कि दो टेक्सचर्स मेरे ज़मीन पर और नज़र आ रहे हैं, तो मैं सेकेंड टाइम आऊँगी और इनको भी बैग्स में डाल दूँगी। ठीक है, 1 2 3 टेक्सचर्स हैं जिनको हमने डाल देना है। ठीक है, फिर यहाँ से भी जगह खाली करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ से सारी ब्रिक्स उठा के रखी ताकि ज़मीन खुशक हो जाए, और ये ब्रिक्स एक साइड पर रख दूँगी, फिर इसको अच्छे से साफ़ करूँगी, व्लॉग बनाऊँगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट, फिर इस तरह से तकरीबन एक हफ़्ता तो लग ही जाएगा मुझे अपने अच्छे से छत को मेनटेन करते हुए। टप शप साफ़ करेंगे, टप शप को साइड पर रखेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास टेक्सचर्स हैं उनको यूज़ में लाना है कि नहीं लाना, वो भी हम इसी में जो है ना ब्लॉग में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये था और अब हम क्रम्बलिंग कर लेते हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट भी आ रही है भाई कि आप लोग ग्रीटी टेक्सचर, आप जो है ना ग्रीटी टेक्सचर को ब्लॉग में ही क्रम्बल कर दे सारे को। तो लेट्स स्टार्ट, ऐसा ही करते हैं, हाफ अभी कर लेते हैं, हाफ नेक्स्ट व्लॉग के लिए रख देते हैं। ठीक है जी, ओके, ये देखें इसको थोड़ा सा नीचे करूँ, ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। यस, इस एंगल में वीडियो बनाना कसम से इतना कोई खपा वाला काम है ना, खपा पता कैसे है कि ये स्टॉलर के साथ इसका वो पीछे वाला हैंडल कभी लग जाता है, कभी उसमें स्ट्रक हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी गिरने लगता है फ़ोन, कभी कुछ होता है। तो यानी ये है कि बड़ा इसको जो है ना वीडियो को बताते वक्त तंगी भी होती है। और मुझे ये फ्रेम पसंद है क्योंकि मैं सामने बैठ के वीडियो बनाती हूँ ना, हमेशा एंगल ही ख़राब होता है, मेरे हाथ ही नहीं आ रहे होते, ना टेक्स्चर नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह तो पता चल रहा है भी टेक्स्चर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए कितना ज़्यादा हार्ड हुआ है। गर्मी, ये मेरी साइड के हैं टेक्सचर्स। अब ये देखिएगा कितने अच्छे क्रम्बल होते हैं। मम्मा ने ना जल्दी जल्दी में बस डालने की मम्मा की भी गलती नहीं है, मैंने ही मम्मा को कहा था कि ये ग्रीटी टेक्सचर के जो टेक्सचर्स हैं ना, सॉरी फ्लोर क्रम्बलिंग के जो टेक्सचर्स हैं वो थोड़े से हार्ड होने चाहिए, तो वो मम्मा ने फिर वाह ही हार्ड कर दी। शेप शेप पे भी डिपेंड करता है। इसका लिक्विड सेपरेट करूँगी, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि मिक्सिंग का ना इतना टाइम नहीं होता, टेक्सचर्स बन जाए इतना ही काफ़ी है। मैशिंग, इसने ऐसे क्रम्बल नहीं होना। ये देखें कहीं कहीं पे सही टेक्सचर बना और कहीं पे ना हार्ड हो गया, यानी इसका पेस्ट कहीं जगह जमा हो गया और कहीं जगह पे है ही नहीं, ऐसे भी होते हैं। और हाँ, ये
इस सदीकी इस तरह करके उनकी यूज़र आईडी है, तो वो कह रही थी कि ना आप जो है ना ऐसा करें कि अपने ना यूट्यूब के ना अपनी जो यूट्यूब की फैमिली है उसका कुछ नाम रख लें ऐसा कि आप हमें जो है ना मुखातिब करें, तो वो नाम लेकर मुखातिब करें लाइक बेस्टीज़ और एआर गैंग। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एआर गैंग, वाओ एयर गैंग। वो भी अच्छा लगा मुझे, और उसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या था। तो मैं तो ना सही बताऊँ ना, तो मेरे जहन में उस टाइम पता क्या आया, ASMR की सहेलियाँ। नहीं, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि अगर मैं जब भी कभी आप लोगों को मुखातिब करूँगी ना तो मैं कहूँगी डियर सहेलियो। ये भी मज़े का है, एयर गैंग अच्छा है। लेकिन आप लोगों को, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि ASMR चैनल कौन सा है, ASMR चैनल किसका है। काफ़ी लोग जो है ना मुझसे पूछते हैं कि आपका और भी कोई चैनल है। जी हाँ, मेरे 3 चैनल्स हैं इसके अलावा भी, जिन पे वीडियोस आती हैं। आप लोग देखते हैं, आप लोग कहते हैं इसका अब नेक्स्ट पार्ट किधर है, तो आप लोग काइंडली जो है ना ASMR चैनल है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आज मैं, या फिर कमेंट में पिन करूँगी लाजमी, मैं भूल ही जाती हूँ हर दफ़ाई, तो वो जो है ना मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो कमेंट में पिन कर दूंगी मैं सारे लिंक्स, वो आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हैप्पी लाइफ व्लॉग को भी सब्सक्राइब करें भाई, कोई नहीं सब्सक्राइब करता, मैं नहीं बोलती आप लोगों के साथ। मेरी मम्मा के बगैर वो लोग अधूरा लगता है मुझे। अब ये देखें, बड़ी जान लगा के फिर क्रम्बल करना पड़ता है। या मैं भी कोई ना, मुझे भी, मेरे लिए भी बताएं कहाँ से जो है ना वो मुझे भी कोई ऐसा पार्टनर मिले शेप्स बनाने के लिए, भाई मैं भी बड़ी तंग हूँ, शेप्स नहीं मुझसे बनाई जाती अब। शेप्स बना भी ले लेकिन छत पे गर्मी बहुत होती है ये इन मौसम में ना, सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है, सर्दियों में आप दिन रात छत पे रहो ना, ऊपर से सर्दी भी हो तो बड़ा इंजॉयमेंट मिलती है, लेकिन गर्मियों में वो फल्ला बैठने को भी दिल नहीं करता। सर्दियों में तो अक्सर मेरा रात को दिल करता है कि छत पे आऊँ और फुल फॉग वाला मौसम हो और बड़ा मज़ा आता है। सर्दियाँ किसको पसंद है और गर्मियाँ किसको पसंद है, भाई मुझे तो सर्दियाँ ही पसंद है। कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। मैं सोच रही हूँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही लूँ एक, क्योंकि शोर ज़रा कम है और वीडियो रिकॉर्ड हो जानी है। तो चले जी, मैं ना जल्दी से जाती हूँ, अपनी साजो सामान लेके आती हूँ, यानी इंस्टॉलर वगैरह कोई ले आती हूँ फेस पे लेने के लिए, और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सो जी, व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, बाबा टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।